वेलकम टू प्योर कुकिंग। इस वीडियो में मैं क्रिस्पी फिश फ्राई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो चलिए बनाना शुरू। तो फिश फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले मैं मछली को मैरिनेट करूंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बोल में सॉल्ट टू टेस्ट ले लिया है, हाफ टी स्पून से भी कम थोड़ी तर हल्दी पाउडर ले लिया है, हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर है। इसमें मैं एक नींबू का आधे नींबू का रस अब डालूंगी और आधे नींबू का रस बाद में डालूंगी। इसमें मैं आधे नींबू का रस डाल रही हूँ। डाल सकते हैं। अब मैं इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो मैंने यहाँ पे 8 मछली के बड़े पीसेस को लेकर धो लिया है। अब मैं इन फिश पीसेस को मैरिनेट कर दूंगी। तो अब इन मछलियों पे मैं मसाले को अच्छे से लगा लूंगी, हाथ से ही लगाना पड़ेगा। तो मैंने फिश पीसेस पे सारा मसाला लगा दिया है। अब मैं इसको मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रखूंगी, फ्रीजर में नहीं, नीचे फ्रिज के कंपार्टमेंट में रख दूंगी और बाद में इसको मैं फ्राई करूंगी। तो फिश पीसेस पे मैंने मसाले को अच्छे से लगा दिया है। अब मैं इसे फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी 1-2 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम आप इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट करें। अगर ज़्यादा टाइम है तो आप फ्रिज के नीचे के कंपार्टमेंट में इसे रख सकते हैं और मैरिनेट करके। तो मैरिनेशन करने के लिए मैंने मच्छी रख दी थी, काफ़ी वक्त हो गया है। अब मैं इसे तलूंगी। तो इसमें मैं 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। और 1 टीस्पून ही मैं इसमें मैदा ऐड करूंगी। अब मिला लूंगी इन सबको अच्छे से मैं। हमें सिर्फ मैदा और कॉर्नफ्लावर इतना लगाना है कि ये थोड़े सा कोट हो जाए, ज्यादा नहीं लगाना, वरना ये कॉर्नफ्लावर और मैदा इसे अच्छे से कोट हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे फिश फ्राई करने के लिए तेल गरम कर लिया है कढ़ाई में थोड़ा सा। अब मैं देखूंगी कि अब मैं इसमें फिश को फ्राई करूंगी। अब मैं इसे पलटा दूंगी। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी लग रही है मच्छी। अब ये दोनों तरफ से अच्छे से तल गई, पक गई है। अब मैं इसे निकालूंगी और बाकी की फिश पीसेस को भी ऐसे ही तल लूंगी मैं। तैयार है क्रिस्पी फिश फ्राई। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो इसे बहुत सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्योर कुकिंग चैनल को। और मैं आपको दूसरी वीडियो में मिलती हूँ।